जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पावर लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Lander Let us Marvel all wait Marvel. To hear from the Secretary Department of Space and. अगर मैं ये वीडियो 1960 में बना रहा होता और मैं ये कहता कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने एस्ट्रोनॉट चांद पर भेजेगा तो आप सब मेरी बात पर यकीन कर लेते और शायद हंसते भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से बहुत पहले खला में पहुंच चुका था। इवन के खला को तो छोड़े, हम इकोनॉमिकली भी इंडिया से बहुत आगे थे और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें लाइक अमेरिका और USSR हमें उम्मीद से देखते थे। पाकिस्तानी स्पेस प्रोग्राम भी बहुत जल्दी मंजिलें तय कर रहा था। तो हम यहाँ तक आखिर कैसे पहुँचे कि हमारी मीन गेम तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन मून गेम वीक। पहले बात करते हैं उस इंसान की जिसने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखी, डॉक्टर अब्दुल सलाम। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्पेस में आखिर रॉकेट भेजना ज़रूरी क्यों है। स्पेस प्रोग्राम से हमें मौसम को भांपने में मदद मिलती है और हम जो वेदर अपडेट्स लेते हैं उससे किसान अपनी फसल की बढ़ोतरी पर अच्छी तरह ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर की सिक्योरिटी और कुदरती आफात जैसे समुद्री तूफान, इन्हें भी भांपने में स्पेस प्रोग्राम हमारी मदद करता है और इस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। इन सब फवायद की वजह से ही सोवियत यूनियन यानी USSR ने एक खलाई चांद स्पेस में भेजा जिसका नाम स्पुतनिक था। स्पेस में पहुंचते ही पूरी दुनिया को दो मैसेज दिए गए, एक तो USSR अमेरिका से स्पेस वॉर में जीत चुका था और दूसरा कि अब स्पेस में जाना नामुमकिन नहीं था। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी थी ये देखकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने भी स्पेस प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर दिया और 4 साल बाद ही एलन शेफर्ड नामी एस्ट्रोनॉट फ्रीडम मिशन 7 लेकर खला में पहुंचे और खला में तकरीबन 15 मिनट और 58 सेकंड तक रहे। सोवियत यूनियन और अमरीका के बाद जापान और इसराइल भी स्पेस वॉर में शरीक हो चुके थे। ये सब देख कर पाकिस्तान के मशहूर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम ने सुपारको नामी इदारा पाकिस्तान में कायम किया जिसका मकसद स्पेस रिसर्च और स्पेस में रॉकेट्स को भेजना था। सुपारको के क्याम के 1 साल बाद ही 1962 में पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट स्पेस में भेजा और इस तरह पाकिस्तान सोवियत यूनियन, जापान और इसराइल के बाद एशिया का चौथा मुल्क बन गया जो कि स्पेस में पहुंच चुका था। इस वक्त तक इंडिया में कहत साली और भूख का राज था, हम इंडिया से 8 साल पहले स्पेस में पहुंच चुके थे। लेकिन ये सब अमरीका की मदद से अचीव हुआ था क्योंकि अमरीका 1970 से पहले चांद पर पहुंचने का ऐलान कर चुका था और इसके लिए उसे इंडियन ओशन के करीब एक एलाय की जरूरत थी और पाकिस्तान ने कहा क्यों नहीं। It is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. इंडिया चूंकि उस वक्त सोवियत यूनियन का एलाय था तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की मदद की। लेकिन पाकिस्तान में अगर डॉक्टर अब्दुल सलाम काम कर रहे थे, इंडिया में एक और साइंसदान विक्रम साराभाई इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पर काम कर रहे थे क्योंकि वो भी पाकिस्तान से स्पेस वॉर में पीछे नहीं रहना चाहते थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर स्पेस वॉर की जरूरत क्यों है। जरूरत है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी रॉकेट्स में यूज हो रही थी वो मिलिट्री में भी यूज हो सकती थी और अब चूंकि पाकिस्तान स्पेस में पहुंच चुका था तो इंडिया को डर था कि पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी मिलिटरीली भी यूज कर सकता है और वो भी इंडिया के खिलाफ। ये देखते हुए विक्रम साराभाई और कुछ इंडियन साइंसदानों ने इसरो यानी इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना शुरू कर दिया। विक्रम साराभाई के फ्रांस और अमेरिका में अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे तो उन्होंने अमेरिका से अपाची रॉकेट्स और फ्रांस से पेलोड मंगवाया और बैल गाड़ियों पर लाद कर ये पेलोड और अपाची रॉकेट्स एक लॉन्चिंग साइट तक पहुंचाए गए और यूं 22 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट भारत की सरजमीन से स्पेस की तरफ रवाना हुआ। इस लॉन्च के बाद इसरो को अपने पैरों पर खड़ा करते करते विक्रम साराभाई को तकरीबन 7 साल लगे
जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1970 में एक बवाल खड़ा हो गया। बांग्लादेश हमसे अलहदा हो चुका था। भुट्टो ने एक बिल पास करवाया जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। डॉक्टर अब्दुल सलाम क्योंकि कादियानी थे, वो भी अब गैर मुस्लिम शुमार होते थे। उनके मजहबी नजरियात पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन गए, क्योंकि हमारी रियासत ने ही उन्हें ओन करने से इनकार कर दिया। सुपारको अब बेआसरा हो चुकी थी। साइंसदान अपनी जेबों से पैसे भरकर पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जारी रखे हुए थे, लेकिन फिर भी साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान में बिल्कुल तरक्की नहीं हो रही थी और किसी भी किस्म की डेवलपमेंट अब नामुमकिन थी। डॉक्टर अब्दुल सलाम भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए। बाद में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें वापस कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा था। इंडिया ने दूसरे मुमालिक की स्पेस टेक्नोलॉजी में तरक्की को कॉपी करके अपने स्पेस प्रोग्राम पर अप्लाई करना शुरू कर दिया। इस तरीके को लीप फ्रॉगिंग कहते हैं, जिसमें आप नए सिरे से मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत से फायदा उठाते हैं। यूं इंडिया 1983 तक अपने कई सैटेलाइट्स स्पेस में भेज चुका था, जबकि पाकिस्तान इस रेस में बहुत पीछे रह गया और हम अभी तक अपनी इंडिजिनस लॉन्चिंग साइट तक नहीं बना सके। इंडिया अब इतनी तरक्की कर चुका था कि वो सस्ते तरीकों से अपने सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दूसरे मुमालिक भी इंडिया से अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक एक या दो सैटेलाइट्स ही स्पेस में लॉन्च कर सका है। इस नाकामी की आखिर वजह क्या है? इंडिया ने अपने साइंसदानों को इज्जत दी, उन्हें अपने मुल्क का सदर तक बना दिया, जबकि पाकिस्तान ने अपने साइंसदान को मुल्क बदर कर दिया। विक्रम साराभाई को इंडिया में आज भी इज्जत दी जाती है और इंडिया का चंद्रयान 3 आज जो चांद पर पहुंचा है, वो इंडिया की अपनी साइंसदानों को इज्जत देने की वजह से ही पहुंचा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी अपने साइंसदानों को ओन करने से डरता है। बाकी रही बात हमारे स्पेस प्रोग्राम की, तो वो आप अभी गूगल कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कौन चला रहा है। मुझे यकीन है कि आप सरप्राइज नहीं होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एल्गोरिथम मेरी मदद करे। शुक्रिया।